अगर आप अपने बच्चों को CBSE और स्टेट बोर्ड सिलेबस के साथ स्पेशल कोचिंग दिलाना चाहते हैं तो गुलबर्गा शहर के बारह हिल सर्कल के करीब ग्रीन हिल्स कॉलोनी में स्टडी होम कोचिंग सेंटर काफी मशहूर है और PUC फर्स्ट PUC सेकेंड ईयर के अलावा नीट स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म क्लासेस एक्सपर्ट्स के जरिए लिए जाते हैं। स्टडी होम कोचिंग सेंटर ZN जागीरदार सर की निगरानी में चल रहा है, जो पिछले 28 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। जागीरदार सर ने नीट और KCET में कई सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं और इसके अलावा जागीरदार सर की जानिब से स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग भी दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स ने फायदा हासिल कर रेपुटेड कॉलेजेस में एडमिशन हासिल किया है। स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग और सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और स्टडी होम कोचिंग सेंटर के जरिए ZN जागीरदार सर की निगरानी में स्टूडेंट्स कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, myself Zahid Nizamuddin Jagirdar. I am a lecturer in physics. I have been teaching physics for the last 30 years for PUC students, as well as I prepare the students for CET, IIT, JEE and NEET. Normally parents मुझे एक सवाल पूछते हैं कि NEET और CET जैसे एग्जाम की तैयारी कब करना चाहिए। एक गलत फहमी यह है कि PUC के दौरान ही नीट और CET की तैयारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट, CET या IIT, JEE के इम्तिहान में तैयारी करने के लिए बच्चों को कम से कम 8th स्टैंडर्ड से शुरू कर देना चाहिए। सो इसको नज़र में रखते हुए हम गुलबर्गा के बारे हिल्स के आगे ग्रीन हिल्स कॉलोनी में स्टडी होम को कायम किया है और ये स्टडी होम में शाम में 6 बजे से रात के 9 बजे तक बच्चों को 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को नीट, IIT, JEE और CET के लिए जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स की तैयारी किया जा रहा है और साथ ही साथ बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी तैयारी की जा रही है। 8th, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग पाने के बाद बच्चे उनके स्कूल के रेगुलर मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं और साथ ही साथ 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं। इसकी वजह है कि हमारे पास जो साइंस के टीचर्स हैं वो हाईली मेरिटोरियस हैं, यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर्स हैं और उनके खुद के अपने इम्तिहानों में, अपने SSLC और PUC के इम्तिहानों में वो खुद 99-100 मार्क्स ले चुके हैं। ऐसे टीचर्स बच्चों को जब तैयारी करवाते हैं तो इंशाल्लाह बच्चे अच्छा एक रिज़ल्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ हम पिछले 3 साल से बच्चों को नीट के लिए भी गाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ से लगभग 22 स्टूडेंट्स MBBS की सीट हासिल किए हैं, उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट सीट, फ्री सीट हासिल किए हैं। तो नीट के लिए भी हमारे यहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। कर्नाटक में लगभग 10,000 मेडिकल सीट्स हैं और लगभग 1,00,000 इंजीनियरिंग सीट्स हैं, लेकिन हम जो बच्चों को तैयार करना है वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए तैयार करना है और गवर्नमेंट सीट की तैदाद 3,000 के आसपास है। ये 3,000 के अंदर मेडिकल रैंक्स हासिल करने के लिए बच्चों के नीट में बहुत अच्छे मार्क्स होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हर साल नीट एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों की तैदाद बढ़ रही है, IIT, JEE एग्ज़ाम लिखने के बच्चों की तैदाद बढ़ रही है और कर्नाटका CET लगभग 3,00,000 से ज़्यादा बच्चे लिख रहे हैं। बच्चों का जो नंबर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से मेडिकल सीट हो या इंजीनियरिंग सीट्स नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कंपटीशन बढ़ता जाएगा और इस कंपटीशन में बच्चों को कामयाबी हासिल करने के लिए उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और अगर बच्चों को सही गाइडेंस मिलती है तो बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और इसको हम नज़र में रखते हुए PU कॉलेज के लेक्चरर्स के ज़रिए हम 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अभी से बच्चों को PU का एजुकेशन सिस्टम अभी से बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे तो आगे चल के PUC में भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जो हम 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में करा रहे हैं, इसका पहला बेनिफिट यह है कि बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होता है। 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आते हैं,
उसके बाद PUC के लिए जब दाखिला ले जाते हैं तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपना एक एंट्रेंस टेस्ट करते हैं। वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट में भी बच्चे अच्छे मार्क्स हासिल करने के इम्कान बढ़ जाते हैं और उसके नतीजे बच्चों को उस कॉलेजेस में फीस कंसेशन मिलती है या कोई स्कॉलरशिप्स मिलती है। और स्टडी होम कोचिंग सेंटर में नीट एक्सपर्ट्स की लगातार विजिट होती है जिससे स्टूडेंट्स को काफी सपोर्ट मिलता है। और इस कोचिंग सेंटर में फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं तो जरूर अपने बच्चों को स्टडी होम कोचिंग सेंटर में ZN जागीरदार सर की निगरानी में ट्रेन करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें या फिर आप गुलबर्गा बारह हिल्स के करीब ग्रीन हिल्स कॉलोनी में मौजूद स्टडी होम कोचिंग सेंटर को विजिट कर सकते हैं। और यही 9th 10th की तैयारी के दौरान ही उनको आने वाले दिनों में कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए बच्चे तैयारी कर सकते हैं और उस बच्चे की दिलचस्पी कौन से फील्ड में है और किस तरफ हम उसको रुझान कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों में भी हम यहाँ पे गाइड करते हैं। और हर संडे के दिन शाम में 7 बजे से 8 बजे तक हम बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, वैसे पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ यहाँ पर आएंगे तो हम बच्चों को गाइड करते हैं। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने हर मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। स्टडी होम गुलबर्गा के बारह हिल से थोड़ा आगे आने के बाद ग्रीन हिल्स कॉलोनी है और ग्रीन हिल्स कॉलोनी के 3rd क्रॉस में आता है। आप बारह हिल से भी आ सकते हैं और KNZ गार्डन के पीछे से भी आ सकते हैं। और शाम में 6 बजे के बाद मैं अवेलेबल होता हूं। अगर आप स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स भी आते हैं तो हम बच्चों को काउंसलिंग करके ये सारे चीज़ें उनको बताकर एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं।